नमस्कार, मेरा नाम गुजरमल ठेकेदार है। मैं गंगापुर सिटी से हूँ और वास्तु के बारे में मैंने कभी पहले भी विचार किया था। पिताजी को बताया था, इन्होंने कहा यार वो विश्वास नहीं करते। मैंने भाई साहब को बुला करके इनको दिखाया है तो इन्होंने बताया कि ये ईशान कोण कोई इकट्ठा हुआ है, इसका इन्होंने उपाय बताया है। तो अब इन्होंने कोई उपाय बताया वो मैं करूँगा। मुझे विश्वास है कि आगे ये जो है वास्तु का जो दोष है वो ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। जय जिनेन्द्र, आज मैं गंगापुर राजस्थान में सर के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। इस घर की पूरी संरचना को देखते हैं तो देखिए आप, इस घर का एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण कटा हुआ है और जबकि उस साइड का एरिया बड़ा हुआ है। और वास्तु में जिस भी घर का, जिस भी प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट कट जाता है उस घर की उन्नति रुक जाती है। सर जैसे पैसा भी कमाते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है। इसके अलावा मानसिक समस्या, मानसिक तनाव हमेशा आजीवन बना रहता है। और इसके साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार की कमियाँ ज्ञात हुई। इसमें सबसे बड़ी एक कमी यह ज्ञात हुई कि इसकी जब लैंड एनर्जी को मैं चेक कर रहा हूँ डाउजिंग टेक्निक से, तो बिल्कुल लैंड एनर्जी न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसके साथ साथ आज इसमें मंत्रोच्चार के साथ साथ इसमें भूमि ऊर्जा को भी पूरा बदलाव किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें आज कहाँ पर ज़मीन को किस तरह से ढलान किस तरह से ऊँचा करना है और किस तरह से पूरे घर की एनर्जी को बैलेंस करना है, वह भी सारे आज उपाय बताए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें आज सबसे बड़ी एक बात मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, जैसे कि कोई भी भूमि होती है तो भूमि का जो स्लोप होता है वह तो हमेशा ईशान कोण में होता ही है। अगर ईशान कोण में अगर आपका कभी कट गया, ईशान कोण सपोज आपका नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या ईशान कोण में आपके टॉयलेट है, तो सबसे अच्छी एक रेमेडी ये है कि ईशान कोण में गुरु ग्रह का वास होता है, आप एक पुखराज रत्न जो कि गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है उसको नॉर्थ ईस्ट एरिया में दबाकर लगा दीजिए। इसके साथ साथ उस पर एक सिल्वर चांदी का पिरामिड लगा दीजिए तो निश्चित रूप से उच्च कोण से जो आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वह नहीं होंगे और वह सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होना चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा आज इसमें मुख्य द्वार की संरचना को दिखाता हूँ। कभी भी मुख्य द्वार ब्लैक रंग से कभी भी पेंट नहीं करना चाहिए। यह मुख्य द्वार देखिए ब्लैक रंग से पेंट है। जिन घरों में मुख्य द्वार काले कलर से पेंट होता है निश्चित रूप से उस घर में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी आ जाती है। क्योंकि जितनी भी शुभ ऊर्जाएँ, रिद्धि सिद्धियाँ, घर में मांगलिक कार्य जो सब होते हैं घर के मुख्य द्वार से होते हैं, और मुख्य द्वार पर जब ब्लैक रंग आ जाता है तो निश्चित रूप से नकारात्मक परिणाम, नाना भांति की परेशानियाँ पल पल में आती हैं। मुख्य द्वार का रंग हमेशा दिशा का तत्व का चयन करके ही करना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें हमको यहाँ पर एक मुख्य द्वार के नीचे एक हमेशा जिस दिशा की जो धातु है उस धातु का हमेशा उपयोग करना चाहिए, और जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति अंदर घर के अंदर प्रवेश करेगा तो सकारात्मक ऊर्जाओं से संचारित होगा। अगर वह आपके प्रति नकारात्मक सोच लेकर भी आ रहा है और मुख्य द्वार ऊर्जावान है तो निश्चित रूप से उसकी सोच, उसका मानसिक संतुलन भी आपके प्रति सकारात्मक हो जाएगा। आज यहाँ सारे उपाय बताए गए हैं और ऊर्जाओं में बढ़ोतरी की गई है। निश्चित रूप से सर को बहुत शानदार और जानदार परिणाम प्राप्त होंगे। सर आपने मुझे गंगापुर राजस्थान बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।